हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग फाइन। तो वेलकम टू डीएमके क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक बेस्ड है एमएस वर्ड, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सबसे पहले होता क्या है, क्वेश्चन ये सामने आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है। मीन्स जो हम वर्ड्स टाइप करते हैं, लिखते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स से, उनको प्रोसेस करने के लिए टूल बनाया गया है। एंड प्रीवियसली जो था, इसी जो है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को या एमएस वर्ड को जो है मेन प्रोग्राम माना जाता था एमएस ऑफिस का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का, ठीक है। तो अगर हम बात करें एमएस वर्ड 2003, मीन्स हमारे पास बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं वर्ड के, तो जिनमें से 2003 जो था एमएस वर्ड का जो वर्जन था, उसकी जो फाइल की एक्सटेंशन होती है, मीन्स अगर कोई भी डॉक्यूमेंट को अगर हम एमएस वर्ड में सेव करेंगे तो उसकी फाइल एक्सटेंशन किससे होगी? तो डॉट डी ओ सी के साथ, ठीक है, डॉट डी ओ सी। ओके, अगर कोई भी ऐसी आपको फाइल मिले जिसके नाम के आगे डॉट डी ओ सी लगा होगा, तो वो कौन से वर्जन की होगी? तो एमएस वर्ड 2003 के फॉर्मेट की होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वर्जन आता है, दैट इज़ 2007। और अगर हम 2007 वर्जन की बात करें, तो उसमें जो एक्सटेंशन था वो किस में चेंज हुआ? डॉट डी ओ सी एक्स, ठीक है, डॉट डी ओ सी एक्स, डॉक के आगे एक्स ऐड हो गया, तो ये हमारी नए फॉर्मेट की फाइल थी, दैट इज़ 2007। और जो हमारा करंट वर्जन है अभी इस समय, वो है 2010, जो अभी इस समय करंटली लेटेस्ट वर्जन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का आया हुआ है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फीचर्स क्या हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली यूज़ होता है टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, एसेज राइटिंग, या फिर कोई भी वर्क रिलेटेड चीज़ें इन स्कूल्स, ऑफिसेज में, जो भी हमें वर्क रिलेटेड चीज़ें डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में चाहिए, तो वो हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ एमएस वर्ड। एंड इसमें कुछ और बिल्ट इन स्पेशल फीचर्स हैं, लाइक स्पेल चेक है, स्पेलिंग चेक हो सकते हैं, थिजॉरस है, डिक्शनरी आपको मिल जाती है इनबिल्ट, लेटर राइटिंग, मेल मर्जेस, ऑफिस असिस्टेंट, या फिर और बड़ी सारी यूटिलिटीज़ जो कि आपको कट, कॉपी, पेस्ट एंड एडिटिंग और फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में हेल्प करती है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपको किस में मिल जाएंगे? एमएस वर्ड, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक जो है एमएस वर्ड, इसमें हम लेकर के आए आपके लिए टॉप 100 एमसीक्यूज़। एंड आज के पार्ट नंबर वन में हम लोग कवर करेंगे इसके 50 एमसीक्यूज़, यानी फर्स्ट 50 है आज के पार्ट में आपको मिलेंगे, नेक्स्ट 50 इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला उसमें मिलेंगे, ठीक है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। एंड आपको अगर हमारे जो हैं जितने भी लेक्चर्स हैं उनके पीडीएफ्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना टेलीग्राम खोलिए, उस पर टाइप कीजिए डीएमके क्लासेस, ये पब्लिक चैनल है, वहाँ ज्वाइन करके हमारे पीडीएफ्स जो हैं वो ले सकते हैं। इससे पहले हमने वीएलडब्ल्यू का कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस कवर किया है, और आप भी जो हमने स्टार्ट किया है ये वीएलडब्ल्यू का कंप्यूटर का कंप्लीट रिविजन विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है। तो यू कैन चेक ऑल दोज पीडीएफ्स इन अवर टेलीग्राम चैनल टू। ओके, तो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक। स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू सेशन को। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है? एमएस ऑफिस वर्ड वाज डेवलप्ड बाय, क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर या कुछ भी आता है, तो उसका डेफिनेटली कोई ना कोई डेवलपर होगा। तो एमएस वर्ड के डेवलपर कौन है, किन्होंने, किन लोगों ने इसको जो है बनाया था? तो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ल्स सिमोनी एंड रिचर्ड ब्रोडी, ठीक है। तो बात करें ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में है रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन। तो ये हमारे डेवलपर थे किसके? पावर पॉइंट के, ठीक है। टिम बर्नर्ली इसको हम जानते हैं, हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी किया था। तो वर्ल्ड वाइड वेब के डेवलपर कौन है, इन्वेंटर कौन है? तो दैट इज टिम बर्नर्स ली, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज चार्ल्स सिमियोनी एंड रिचर्ड ब्रॉडी जो हैं एमएस वर्ड के डेवलपर रहे हैं, ठीक है। मूविंग फर्दर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है? क्या ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या ये कंपाइलर है, क्या ये सिस्टम है, क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड तो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, इसको हम सिस्टम भी नहीं बोलेंगे, ये कंपाइलर फंक्शन भी नहीं है, दिस इज जस्ट एन
एप्लीकेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर मीन्स जिसको हम नॉर्मल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, इसके यूज़ को हम ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, उनके एडिटिंग, मेल मर्जेस और बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हैंस इट इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, तो मूविंग फर्दर, वट विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है, क्या इटालिक, क्या मैजिक टूल, क्या फॉन्ट या फिर बोल्ड। अगर आपने काम किया होगा कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या अपने फ़ोन्स पे भी, हम कभी डॉक्यूमेंट्स एडिट करते हैं या मैसेज राइटिंग करते हैं, तो उस समय हमें ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे नज़र आते हैं। क्या आपने ऑप्शन इटालिक्स यूज़ किया था, इटालिक्स मीन्स लेटर्स को जो है ये एट सम एंगल रोटेट करके इटैलिक फॉर्म में लिखता है, ठीक है। मैजिक टूल जो है, मैजिक टूल आपको जो है एमएस वर्ड में नहीं मिलता है, ये आपको फोटोशॉप में मिलता है, हेंस हमें हमारा ऑप्शन मिल गया है, दैट इज़ मैजिक टूल। फॉन्ट जो है, फॉन्ट बड़ा छोटा, साइज़ बेसिकली फॉन्ट क्या होता है, साइज़ ऑफ द टेक्स्ट हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में या भी बना सकते हैं। बोल्ड यानी आप किसी भी वर्ड को मोटा या बारीक फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हैंस हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा दैट इज़ मैजिक टूल। ऑप्शन नंबर बी जो है वो एमएस वर्ड में नहीं मिलता है। मैजिक टूल हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें फोटोशॉप में, ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ एमसीक्यू, डैश कैन नॉट बी यूज्ड टू वर्क इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में जब हम काम करते हैं तो इनमें से कौन सा ऐसा जो है हार्डवेयर डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट डिवाइस है जो हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हम माउस यूज़ करते हैं वर्ड में, बिल्कुल करते हैं, हमारे लैपटॉप्स कंप्यूटर्स के साथ हम माउस कनेक्ट करते हैं, वर्क करते हैं। लाइट पेन भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर के थ्रू हम जो है हमारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसकी सॉफ्ट कॉपी बना के उसको एडिट भी कर सकते हैं वर्ड में। एंड जो एक चीज़ है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते वर्ड में, एंड दैट द ओनली थिंग इज़ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का कोई भी काम जो है एमएस वर्ड में नहीं होता है। जॉयस्टिक मोस्टली या मेनली हम कह सकते हैं गेमिंग में वर्क आता है। तो हैंस ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर, विच कैन नॉट बी यूज इन एम एस ऑफिस। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट एडिशन ऑफ एम एस वर्ड। तो इंट्रोडक्शन जब मैंने दिया था इस टॉपिक का, तो उसमें मैंने बताया था कि एम एस 2003 है, 2007 है, 2010 है, बट एम एस वर्ड 1020 यानी 1020 कोई भी वर्जन नहीं है एम एस वर्ड का। तो हैंस ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द डैश वर्क्स विद द स्टैंडर्ड कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स। कौन सा ऐसा चीज़ है जो स्टैंडर्ड कॉपी पेस्ट कमांड पे वर्क करता है, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा, क्या वो व्यू टैब होगा वर्ड का, क्या वो पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स होगा, क्या वो ऑफिस क्लिपबोर्ड होगा, या ऑल ऑफ दिस। तो जब भी हम कॉपी या पेस्ट ऑप्शन करते हैं तो उस समय आपको कई बारी डायलॉग बॉक्स भी सामने आता है दैट द टेक्स्ट इज कॉपीड ऑन टू द क्लिपबोर्ड। तो हैंस ऑफिस क्लिपबोर्ड इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नाउ मूविंग फर्दर, वट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी पेज प्रिंट करते हैं, लाइक से दिस इज अवर पेज, ठीक है, तो इसमें जो टेक्स्ट की बॉडी आती है वो इतने से पोर्शन में आती है, ठीक है। पूरी जो है स्टार्ट से लेके एंड तक कोई भी टेक्स्ट जो है इस पेज पे आपको नहीं मिलता है। तो ये बात कर रहा है कि ये जो ब्लैंक एरिया है, दिस ब्लैंक एरिया जो है, दिस इज़ कॉल्ड व्हाट। क्या ये क्लिप आर्ट है, क्या ये मार्जिन है, क्या ये हेडर है, क्या ये फुटर है। तो क्लिप आर्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्लिप आर्ट क्या होता है, एक पिक्चर या इमेज को जब हम किसी डॉक्यूमेंट में लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लिप आर्ट। मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन जैसे हम देखते हैं हमारी नोटबुक्स में, तो वहाँ पे साइड पे इस तरह से लाइंस लगी होती हैं टॉप एंड बॉटम पे, सॉरी लेफ्ट एंड टॉप पे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन्स। तो ये भी एक्चुअली ये जो ब्लैंक स्पेस है, दीज आर कॉल्ड मार्जिन्स। हेडर क्या होता है, जो टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो टॉप पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो ब्लैंक स्पेस होती है इसको हम बोलते हैं हेडर, जिसमें आप टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं। एंड फुटर क्या होता है, द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, एम्प्टी स्पेस जो होती है बॉटम में हमने रखी होती है, दिस इज कॉल्ड एज फुटर ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप पेज नंबर वगैरह वगैरह ऐड कर सकते हैं। हैंस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज मार्जिन्स, ठीक है।
नाउ मूविंग फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? पेज ओरिएंटेशन की इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है? पेज ओरिएंटेशन की एग्जाम्पल है लैंडस्केप। पेज की हमारे पास जब भी हम प्रिंट आउट निकालने की कोशिश करते हैं तो या तो हमारे पास पोर्ट्रेट यानी सीधा सीधा पेपर आएगा, ठीक है, या फिर हमारे पास लैंडस्केप लाइक दिस। दीज आर द टू ओरिएंटेशन अवेलेबल इन आवर प्रिंटर फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो या तो वो पोर्ट्रेट यानी सीधा पेपर आएगा एंड या फिर इस तरह से आपका लैंडस्केप फॉर्म आएगा। तो ये वाला है लैंडस्केप एंड दिस इज योर पोर्ट्रेट फॉर्मेट, ठीक है। सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जब भी हम कोई लेटर लिखते हैं, जैसे पी लेटर लिखा है हमने, तो इसके टॉप पे कुछ भी हम लिखेंगे तो दैट इज सुपर स्क्रिप्ट, एंड जो हम इसके बॉटम में लिखेंगे वर्ड, उसको हम उस वर्ड या अल्फाबेट, उसको हम क्या बोलेंगे? सब स्क्रिप्ट। टॉप वाला सुपर स्क्रिप्ट, नीचे वाला सब स्क्रिप्ट। एंड A4, तो A4 क्या है? शीट का साइज है जो हम प्रिंटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन व्हाट? जब भी हम फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट की एडिटिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें हम क्या डिफरेंट डिफरेंट टूल्स ऑफ फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं, तो किस किस पे यूज़ कर सकते हैं? क्या वो सिर्फ टेक्स्ट पे कर सकते हैं, क्या सिर्फ टेबल पे, क्या आप टोटल मेन्यू पे, या बोथ A&B? तो मेन्यू तो एक अलग चीज़ हो गई, तो हम जो है टेक्स्ट या टेबल जो भी हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होते हैं हम उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हैंस ऑप्शन नंबर D इज़ अवर करेक्ट आंसर, दैट इज़ ऑफ बोथ A&B आर करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मेकिंग रेज्यूमे? जब भी हमें रेज्यूमे बनाना है हमारा, तो हम कौन से सॉफ्टवेयर में उसको बनाते हैं? क्या वो जावा है? जावा तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो बिल्कुल भी नहीं। डेवसी, डेवसी इज ऑल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रेज्यूमे मेकिंग में कुछ भी काम नहीं है। तो MS Word, मैंने आपको इनिशियली बताया था कि डॉक्यूमेंट टाइपिंग वगैरह के लिए जो हमारे पास मेन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, दैट इज़ वर्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। एंड MS Excel में तो हम जो है हमारी टेबुलेशन ऑफ डाटा वगैरह वगैरह या उसका एनालिसिस वगैरह जो है उसके लिए हमारे पास बेटर टूल कौन सा है? दैट इज़ MS Excel, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B इस केस के लिए करेक्ट ऑप्शन है। मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 11, प्रेस डैश टू ओपन द हेल्प विंडो इन MS Word डॉक्यूमेंट। आप कौन सी ऐसी की है, फंक्शन की है जो प्रेस करते हैं जिससे कि आपकी हेल्प विंडो खुल जाती है? दैट इज़ F1, ठीक है। F1 की, आपको कीबोर्ड के फंक्शन कीज़ का पता होना चाहिए, तो उनमें से फंक्शन की F1 अगर हम प्रेस करेंगे तो हमारी जो है हेल्प की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच बार शोज द करंट पोजिशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज? ऐसा कौन सा बार है जो कि हमें टेक्स्ट की पोजीशन बताएगा, करंट पोजीशन टेक्स्ट की क्या है, ठीक है। तो ये बताने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले, मैं आपको कंसोल विंडो बता देती हूँ जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की होती है। मैंने ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, तो इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जब जो सबसे टॉप पार्ट होता है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का नाम नज़र आता है, क्या नाम आपने डॉक्यूमेंट का दिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टाइटल। टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट जिस बार में नज़र आता है दैट इज़ कॉल्ड एज द टाइटल बार, टॉप मोस्ट बार, ठीक है। उसके नीचे जो भी आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, इस तरह के टूल्स की जो है लिंक्स नज़र आते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। तो इस मेन्यू को ड्रॉप करके आप जो है आगे फर्दर सब फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे टॉप पे क्या आ जाएगा? टाइटल बार, देन मेन्यू बार, उसके बाद नीचे कौन सा आता है? स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। जो आपको एक्सेसिबल टूल्स होते हैं, ऑलरेडी स्टैंडर्ड टूल्स हैं जो MS Word ने डिज़ाइन किए हुए हैं, तो उनके बाद आपको मेन्यू बार के बाद वो स्टैंडर्ड टूल्स मिल जाते हैं। एंड देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आता है फॉर्मेटिंग टूल बार। यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन, जैसे कौन सा फॉन्ट आपने रखना है, फॉन्ट का क्या साइज रखना है, वेदर टेक्स्ट बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, उसको आपने लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, या फिर जस्टिफाई करना है टेक्स्ट को, ये सारे इस तरह के ऑप्शन जो हैं ये आपको आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में मिल जाते हैं। उसके बाद आपके पास दो तरह के स्क्रोल बार्स होते हैं, एक तो टॉप टू बॉटम स्क्रोल करने के लिए और एक लेफ्ट टू राइट स्क्रोल करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट पोर्शंस ऑफ क्या है? MS Word डॉक जो है विंडो जो हमारे पास ओपन होती है, उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट
जो हमें लाइन ब्लिंक करती हुई जहाँ पे नज़र आती है वर्ड डॉक्यूमेंट पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्सर, ठीक है। और जो ये साइड पे कुछ नंबर्स जैसे, कुछ लाइंस जैसे हमें दिखती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, रूलर्स, ठीक है, रूलर्स। देन जो सबसे नीचे का पोर्शन होता है, जब हमारी विंडो खुलती है, तो ये जो सबसे नीचे का पोर्शन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टेटस विंडो। एंड जो बाकी बची हुई कंप्लीट शीट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया। तो अभी हमारे पास कंप्लीट नॉलेज है अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट, वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कि कौन सी ऐसी जो है बार है जो शो करती है करंट पोजीशन एज फार एज द टेक्स्ट गोज। तो कौन सी ऐसी बार है, इसमें कौन सा ऐसा पोर्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का जो आपको बताएगा करंट पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे स्टेटस बार जो है वो आपको करंट पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट बता रही है। यहाँ पे आपको गिवन है जैसे पेज 1, सेक्शन 1, वन ऑफ वन लेटर्स, ठीक है। तो ये जो है पेज की लोकेशन, टेक्स्ट की लोकेशन बताती है कौन से पेज में कौन सा वर्ड और आप जो है किसको पॉइंट कर रहे हैं। तो हैंस इस क्वेश्चन का आंसर है स्टेटस बार, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि इसी पेज के ऊपर भी कई बारी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि किस बार में क्या आपको मिलता है, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। विच की इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल ए, ओके, कंट्रोल ए। मैं आगे यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है A to Z जो है एमएस वर्ड के फंक्शंस भी बता दूंगी, शॉर्टकट फंक्शंस बता दूंगी, कैसे वो शॉर्टकट फंक्शन होता है। अभी के लिए आप याद रखें, कंट्रोल ए जब हम प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल की अलॉन्ग विद ए की, या जब हम प्रेस करेंगे, तो जितना भी जो होगा यहाँ पे स्क्रीन पे डाटा, वो सारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा इन एमएस वर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का कौन सा पार्ट नहीं होता है, क्या वो क्विक एक्सेस टूल बार है, क्या वो शॉर्ट स्टार्ट मेन्यू बटन है, क्या वो होम पैनल है, क्या वो व्यू ऑप्शन है। तो जब हमने यहाँ ऊपर देखा था, तो यहाँ पे आपको इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट टूल, ये सारे के सारे आपको टूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो टूल यहाँ पे इस पूरी विंडो में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो आपके पास एमएस वर्ड का पार्ट नहीं है, तो वो कौन सा टूल है, दैट इज योर स्टार्ट मेन्यू बटन। स्टार्ट मेन्यू बटन जो है वो आपके पास नहीं होता है। स्टार्ट मेन्यू बटन जो होता है कहाँ पे होता है, ये आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे होता है, जिससे आप प्रेस करके जो आप कोई सा भी प्रोग्राम जो है वो ओपन कर सकते हैं। अदरवाइज व्यू ऑप्शन भी आपको वर्ड में मिलता है, होम भी मिलता है आपको, क्विक एक्सेस टूल बार भी जो है एमएस वर्ड का पार्ट है, ओके। नाउ मूविंग फर्दर, द नेम ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेज इन, जो नेम है वर्ड डॉक्यूमेंट वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो वो कहाँ पे मिलता है, टाइटल, क्योंकि वो टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट है, तो वो आपको कहाँ मिलेगा, टाइटल बार में वो नेम आपको देखने को मिलेगा। हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ईच लाइन रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी लेटर्स इन वर्ड स्टार, ठीक है। जो हमारी ये लाइन हमने लिखी है, अगर इसको हम एंड तक यहाँ पे लिखें, तो यहाँ पे कंप्लीट कितने वर्ड होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, दैट इज 65 वर्ड जो होते हैं वो वर्ड स्टार के फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं। एमएस वर्ड इज सॉफ्टवेयर ऑफ डैश। एमएस वर्ड जो है वो कौन सी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, क्या वो एप्पल का है, एंड्रॉयड का है, गूगल का है, या माइक्रोसॉफ्ट का है? तो ये एमएस वर्ड, हम इसका नाम ही बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो ये किसकी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, तो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, विच इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हम किसको बोलते हैं, तो एमएस वर्ड, 2007 हो, 3 हो, या 2010 हो, तो ये सारे के हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। गूगल क्रोम की अगर बात करें, तो दिस इज सर्च इंजन, मोजिला फायरफॉक्स इज ऑल्सो सर्च इंजन, एंड अवास्ट इज योर एंटी वायरस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एमएस वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर।
क्या ये वेब ब्राउज़र है, वर्ड प्रोसेसिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या एंटीवायरस है. तो दैट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. द वैलिड फॉर्मेट ऑफ एम एस वर्ड इज़ फॉर्मेट वैलिड जो एम एस वर्ड का है, तो मैं आपको इनिशियली बता चुकी हूँ, दैट इज़ डॉट डी ओ सी या डॉट डी ओ सी एक्स. दोनों में से कुछ भी होगा तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, वैलिड फॉर्मेट हैं एम एस वर्ड के. नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. विच प्रोग्राम इज यूज इन एम एस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग. स्पेलिंग चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा ऐसा प्रोग्राम है एम एस वर्ड में, क्या वो रिसर्च है, क्या वो वर्ड काउंट है, सेट लैंग्वेज है या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर. तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे क्या है, स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला जो ऑप्शन है ये हमारा एम एस वर्ड में स्पेल चेक के लिए यूज़ होता है, दैट इज ऑप्शन डी. टू शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रेस डैश. जब भी हमें फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना होता है तो हमारे पास शॉर्टकट की कौन सी होती है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोल प्लस डी. जब हम कंट्रोल प्लस डी को प्रेस करेंगे तो हमारे पास फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. दिस इज अ शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स. नाउ नेक्स्ट, अ वर्ड गेट्स सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग इट. जब भी हमें कोई वर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये वर्ड है, अगर हमें वर्ड में इसको सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस वर्ड पे डबल क्लिक अगर हम कर देंगे, ट्वाइस क्लिक अगर हम कर देंगे तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अ डैश आइडेंटिफाइज अ लोकेशन ऑन अ सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट यू नेम एंड आइडेंटिफाई फॉर फ्यूचर रेफरेंस. वो कौन सी ऐसा पोर्शन है वर्ड का, डॉक्यूमेंट का, जो आइडेंटिफाई करता है लोकेशन या फिर सेलेक्शन ऑफ टेक्स्ट दैट यू नेम एंड आइडेंटिफाई फॉर फ्यूचर रेफरेंस. फ्यूचर रेफरेंस के लिए जिसको आप मार्क करके रखते हैं, तो वो क्या होता है, वो फुटर नहीं होता है. फुटर मैंने बताया था कि पेज का बॉटम होता है, हेडर नहीं होता, वो टॉप होता है. पेज नंबर तो हो ही नहीं सकता, तो हैंस बुक मार्क जो है, हम किसी भी डॉक्यूमेंट को जब बुक मार्क कर देते हैं तो वो जो है डॉक्यूमेंट हमारे फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव हो जाती है आइडेंटिटी हमारे सिस्टम में. नाउ क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. तो कौन सी ऐसी जो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन में अवेलेबल नहीं होती है, तो क्या वो बोल्ड है, तो बोल्ड मिलता है हमें, सॉरी न्यू, सेव या ओपन. ठीक है, तो न्यू, सेव एंड ओपन ये सारे के सारे जो है हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बटन में मिलते हैं, बट जो हमें ऑप्शन नहीं मिलती है दैट इज बोल्ड ऑप्शन जो है वो हमें वहाँ पे नहीं मिलता है. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा टॉप पे किसी भी एम एस वर्ड के डॉक्यूमेंट के टॉप पे, मैं आपको दिखा देती हूँ इमेज जो हमारे पास ऑलरेडी थी यहाँ पे वर्ड की, हमने ऑलरेडी यहाँ देखी थी. तो ये जो लोगो बना हुआ है बेसिकली यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और उनमें से जो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा तो वो कौन सा होगा, बोल्ड का ऑप्शन. यहाँ पे जो अवेलेबल ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ होते हैं ओपन, सेव एंड क्लोज वगैरह के ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल होते हैं, हैंस बोल्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको नहीं मिलता है. तो जो भी मैं आपको चीज़ें करा रही हूँ, आप साथ के साथ वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लीजिए और वहाँ पे प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करके आप साथ साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होगा और वो हमेशा के लिए मेमोरी में स्टोर हो जाएगा. ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 26. डैश इज द चेंज द वे टेक्स्ट रैप्स अराउंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट. तो वो कौन सा ऐसा वे है जहाँ पे टेक्स्ट रैप करता है. टेक्स्ट रैपिंग का मतलब, सपोज हमारी ये एक इमेज है, ठीक है, हमने कुछ भी एक डिज़ाइन जैसा बनाया हमारी डॉक्यूमेंट में, और यहाँ पे ये पूरा डॉक्यूमेंट है. ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि ये सारा का सारा स्पेस जो है हम इतना का इतना स्पेस खाली छोड़ दें, बट वो अच्छा नहीं लगेगा. तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इस पोर्शन में कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं. ठीक है, तो टेक्स्ट क्या करता है, जिस तरह का भी शेप होगा इस फिगर का तो उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टेक्स्ट रैपिंग. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट रैपिंग. तो चेंज जिससे टेक्स्ट अपने आप को रैप करता है अराउंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं टेक्स्ट रैपिंग. ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. नाउ मूविंग फर्दर, इन द डैश वी कैन चेंज द व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड सेट द जूम ऑप्शन. कौन सा ऐसा पोर्शन है, कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट का जूम ऑप्शन को सेट कर सकते हैं, क्या वो होम पैनल है, क्या वो व्यू ऑप्शन टूल बार है, क्या वो रिबन है, क्या वो टाइटल
बार है, तो वो कहाँ पे मिलता है हमें, व्यू ऑप्शन में, क्योंकि व्यू ऑप्शन ही है जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम हमारे स्क्रीन को देख सकते हैं, छोटी स्क्रीन चाहिए बड़ी स्क्रीन चाहिए, तो वहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपको जूम ऑप्शन भी व्यू ऑप्शन टूल बार में मिल जाएगा। तो आप नाम से कोरिलेट करके चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, टू सेंटर द सेलेक्टेड टेक्स्ट द शॉर्टकट की इज, जब भी हमें टेक्स्ट को सेंटर करना है, सेंटर में लाना है, तो उस समय हमारी कौन सी की यूज़ होगी, दैट इज़ कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल सी को सेंटर मत कर दीजिएगा, कंट्रोल सी होता है कॉपी के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ई इज़ द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन द सेंटर, ठीक है। तो ये रहा आपके पास स्क्रीनशॉट, जो भी मैं शॉर्टकट कीज़ बता रही हूँ आपको, तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मोस्टली जो है आपकी ये जो अल्फ़ाबेट है उसी के साथ स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे कंट्रोल ए है तो ऑल सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट ऑल का मैंने बताया था आपको, ऑल सेलेक्ट। बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी इज़ बोल्ड करना है, कंट्रोल प्लस सी इज़ कॉपी करना है टेक्स्ट को। तो कंट्रोल डी जो है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट सेट करता है, ठीक है। कंट्रोल डी से आपको डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होगा सेट हो जाएगा। कंट्रोल ई सेंटर के लिए, कंट्रोल एफ़ टू फाइंड, कंट्रोल जी गो टू, कंट्रोल एच होगा वो रिप्लेस। तो जो थोड़े डिफरेंट नाम होते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी उन्हीं तरह के जो है शॉर्टकट कीज़ को पुश नहीं कहते हैं। जैसे कंट्रोल एच है तो कंट्रोल एच का रिप्लेस है, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि इसका नाम जो है डायरेक्टली अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरह के जैसे कंट्रोल के है, तो कंट्रोल के किसके लिए यूज़ होता है, हाइपरलिंकिंग के लिए, ओके। तो आप जो है इनको एक बारी पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपको 2-3 बारी पढ़ने के बाद ये पूरा का पूरा टेबल लर्न हो जाएगा। तो आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो यहीं से ही निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 29, अ मेजर स्टेप बिफोर टेकिंग प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़, जब भी हमें किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करना है, तो सबसे मेजर स्टेप उस समय क्या होना चाहिए, टू सेव द डॉक्यूमेंट, टू सेट पेपर सेटिंग, टू सी प्रिंट प्रीव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट, या बोथ बी एंड सी। तो पेपर को सेव करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, तो ये एक बात की बात है, ठीक है। हम मोस्टली सेव करके भी रखते हैं, साथ साथ जो है ऑटो सेव भी होता जाता है वर्ड में। तो उस समय हमें जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक तो पेपर की सेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि किस तरह का प्रिंट हमें चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या वो हमारी सेटिंग प्रॉपर एज डिजायर्ड हुई है या नहीं हुई है। तो उस चीज़ को देखने के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पे जा सकते हैं। हैंस ऑप्शन नंबर बी एंड डी बोथ आर, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस क्या करना है आपको, कंट्रोल पी करना है, कंट्रोल पी। जितनी भी मैंने ऊपर आपको शॉर्टकट कीज़ बताई, वो सारी की सारी किसकी हेल्प के साथ थी, कंट्रोल की के साथ थी, ठीक है। ऑल्ट की या टैब की के साथ बिल्कुल भी नहीं थी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन यूज, आपको उस समय क्या यूज करना चाहिए, तो प्रिंट प्रीव्यू यूज करना चाहिए, आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बता दिया है। नाउ 32 क्वेश्चन, टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑप्शन इज यूज्ड, किसी भी डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करने के लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन यूज़ होता है, क्या वो सेव कॉपी होता है, कॉपी तो सेव के लिए यूज़ नहीं होगा, सेव ऑन होता है तो सेव ऑन कोई ऑप्शन नहीं होता, सेव फर्स्ट भी कोई ऑप्शन नहीं होता। तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो सेव या फिर सेव एज। तो फर्स्ट टाइम अगर आपने सेव करना है किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो उसको सेव एज करके आप सेव करते हैं। एंड सेव एज के बाद आपको डायलॉग प्रॉम्प्ट करता है कि क्या उसको कौन सी लोकेशन पे, वेदर डेस्कटॉप या किसी डॉक्यूमेंट में या किसी और जो है फर्दर ड्राइव में सेव करना है। तो वहाँ से आप नेम भी दे सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन योर सिस्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, क्या ये पेज लेआउट्स हैं, क्या ये पेज साइज हैं, क्या ये पेज ओरिएंटेशन है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर बेसिकली पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मींस किस डायरेक्शन में पेज आपका जो सेटअप है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ओरिएंटेशन होती हैं, जो इस तरह से लेंथ वाइज प्रिंट होता है, इस तरह से जहाँ पे प्रिंटिंग होती है उसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट। एंड दूसरा जो है आपका लैंडस्केप होता है, जबकि आपकी प्रिंटिंग इस पैटर्न में होती है, इस तरह से लाइन्स जो होती हैं आपके प्रिंट होते हैं, दिस इज़ लैंडस्केप। तो ये दोनों क्या है, पेज की ओरिएंटेशंस है, पेज की डायरेक्शंस ऑफ रोटेशन है, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू डिलीट करेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. जब भी हमें कर्सर के लेफ्ट, सपोज यहाँ पे हमारे कर्सर की पोजीशन है, तो इसके लेफ्ट में जब भी हमें कभी भी कैरेक्टर्स को डिलीट करना है, तो हम क्या करते हैं, बैक स्पेस. नाम से ही पता चल रहा है कि कर्सर के बैक साइड पे, तो बैक स्पेस. और अगर हमें कर्सर के राइट साइड पे करना है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, डिलीट बटन को यूज़ करेंगे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डैश इंक्लूड द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है. तो जब भी हमें इंडेक्स ऑफ द डॉक्यूमेंट में सेलेक्टेड टेक्स्ट को इंक्लूड करना है, तो उस समय हम क्या यूज़ करेंगे, कैप्शन नहीं, टेबल तो बिल्कुल भी नहीं, इंडेंट भी नहीं, तो उस समय क्या होगा, मार्क एंट्री. यहाँ पे आप एंट्री को मार्क करेंगे, तो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट जो होगा, जहाँ जहाँ आप चाहेंगे डिस्प्ले करना, तो वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है. तो दैट इज मार्क एंट्री ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. लाइन स्पेसिंग इन इज इन द डैश ऑफ एमएस वर्ड. एमएस वर्ड का कौन सा ऐसा पोर्शन है जहाँ पे लाइन स्पेसिंग आपको ऑप्शन मिलती है. लाइन स्पेसिंग मैंने आपको बताया था कि जो भी टूल्स हैं वो कहाँ पे मिलते हैं हमें लाइन स्पेसिंग के, तो वो मिलेंगे हमें होम टैब के अंदर. ठीक है. कहाँ पे मिलेंगे, होम टैब के अंदर. नाउ नेक्स्ट 37 क्वेश्चन. डैश बटन रिड्यूसेस द विंडो टू एन आइकॉन बट वर्ड स्टिल रिमेन्स एक्टिव. ठीक है. कौन सा ऐसा बटन है जिससे विंडो रिड्यूस हो जाती है इनटू एन आइकॉन, आइकॉन बन जाता है यहाँ पे बॉटम पे, और आपकी वर्ड की जो विंडो है वो स्टिल एक्टिव रहती है, तो वो कौन सा है, दैट इज मिनिमाइज ऑप्शन. आप विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं, आपकी स्क्रीन से जो है वो विंडो हट जाती है टेम्परेली, बट वो एक्टिव रहती है. ठीक है. विच टर्म इज़ नॉट रिलेटेड विद फॉन्ट. फॉन्ट के साथ कौन सी टर्म जो है रिलेट होती नहीं है यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से. तो फॉन्ट का कलर हम चेंज करते हैं, फॉन्ट का साइज़ भी चेंज करते हैं, फॉन्ट का फेस यानी इटालिक्स या फिर कोई और अरबिक, टाइम्स न्यू रोमन या रोबोटो, हम कोई भी फॉन्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं, बट फॉन्ट ग्रामर कोई भी वर्ड नहीं होता है. तो हैंस ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट इन दिस केस. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं. डैश बटन ब्रिंग्स वर्ड विंडो टू द मैक्सिमम ओरिजिनल साइज. तो मिनिमाइज से हमने क्या किया था, उसको जो है आइकॉन में चेंज किया था, तो वापस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिस्टोर या फिर मैक्सिमाइज भी जिसको हम बोलते हैं. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ अ कॉलम. कॉलम की स्मॉलेस्ट विड्थ क्या होगी, तो दैट इज 0.5 इंचेस. ठीक है. 0.5 इंचेस जो होगी वो कॉलम की स्मॉलेस्ट विड्थ होगी इन एम एस वर्ड. ठीक है. 41 क्वेश्चन देखते हैं. एरियल, कैम्ब्रिया, वेरेंडा, टाइम्स न्यू रोमन आर द नेम्स ऑफ व्हाट. तो ये नेम है सारे किसके, फॉन्ट फेस की. फॉन्ट को हम किस तरह का दिखाना चाहते हैं, एरियल में, कैम्ब्रिया या फिर ये टाइम न्यू रोमन. तो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, टाइम न्यू रोमन होता है. उसके अलावा आप किसी भी तरह के फॉन्ट फेस में उसको चेंज कर सकते हैं. तो इस केस में ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर करेक्ट आंसर. नाउ 42 क्वेश्चन. विच फीचर एडजस्ट द टॉप एंड बॉटम मार्जिन सो दैट द टेक्स्ट इज सेंटर्ड वर्टिकली ऑन द प्रिंटेड पेज. तो इस क्वेश्चन का आंसर इज वर्टिकल जस्टिफाइंग, ऑप्शन नंबर बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 43. टू मेक द सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड द शॉर्टकट की यूज इज. तो बोल्ड करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, तो दैट इज कंट्रोल बी. ठीक है. कंट्रोल कीज के साथ हमने सारी शॉर्टकट कीज को पढ़ा था, तो दैट इज कंट्रोल बी. आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा. अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 44. डैश रेफर्स टू फॉरवर्ड द ऑब्जेक्ट वन लेवल और टू द फ्रंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट. आप उसको क्या बोलते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रंट में दिखाना चाहते हैं और उसके बैकग्राउंड में कुछ और हो सकता है, तो दैट इज ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन क्लिपबोर्ड. इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो क्लिपबोर्ड पे अवेलेबल नहीं है. कट होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, तो यार सारे के सारे ऑप्शन जो है वर्ड के क्लिपबोर्ड पे होते हैं. बस
पेज सेटअप एक ऐसा ऑप्शन है जो क्लिपबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होता है, हेंस ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर हियर। राइट, नाउ मूविंग फर्दर टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। आफ्टर इंसर्ट अ चार्ट वी एडिट द डाटा ऑफ द चार्ट इन। जब हम किसी भी चार्ट को इंसर्ट करते हैं इन वर्ड, तो हम उसके डाटा को कहाँ पे एडिट करते हैं, क्या पावर पॉइंट में, क्या वर्ड में, या फिर वन नोट में, या फिर एक्सेल में। तो हम जो चार्ट को एडिट करते हैं वो हम करेंगे वर्ड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, आफ्टर इंसर्ट अ चार्ट वी एडिट द डाटा ऑफ द चार्ट इन। हम जो है चार्ट का डाटा कहाँ पे एडिट करते हैं, वो करते हैं वो एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है वो हम चार्ट के डाटा को एडिट करते हैं, क्योंकि एक्सेल जो है वो हमें एनालिटिकल कैलकुलेशंस में हेल्प करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में हेल्प करता है, और उसको जो हम चार्ट को फिर वहाँ से उठा करके हमारे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो दैट इज एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये गलती से क्वेश्चन यहाँ पे एक्सेल का बीच में आ गया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड हियर। 47, चेंजिंग द अपेयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, किसी भी डॉक्यूमेंट की अपेयरेंस को चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं, उसको एडिट करते हैं, तो वो जो है हमें फेस उसका चेंज मिल जाता है, अपेयरेंस उसकी चेंज मिल जाती है, तो दैट इज़ फॉर्मेटिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नो, क्वेश्चन नंबर 48, सॉर्ट फीचर इज फॉर डैश इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। सॉर्ट फीचर किसके लिए यूज़ होते हैं, सॉर्टिंग मीन्स आपको अरेंज करना होता है बेसिकली, या तो इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वो कहाँ पे यूज़ होगा, कौन सी फीचर में यूज़ होगा, तो अल्फाबेटाइज। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम जो हैं इटालिक, बोल्ड या हाईलाइट, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, जो ओनली ऑप्शन है दैट इज अल्फाबेटाइज। मीन्स मान लो आपके पास एक लिस्ट है, ठीक है, एक कंप्लीट लिस्ट है आपके पास, वहाँ पे कुछ नाम लिखे गए हैं, तो आपको अगर उन नामों को रीअरेंज करना है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मींस आपकी जो है लिस्ट को आपने एक प्रॉपर वे में अरेंज करना है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, सॉर्ट फीचर एमएस वर्ड का, जो अवेलेबल होता है, जो आपको क्या करती है, अल्फाबेटाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन नेम्स को रीअरेंज कर देगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर। 49 क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ नोट और एनोटेशन दैट एन ऑथर और रिसीवर एड्स टू अ डॉक्यूमेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमेंट। ठीक है, जैसे आप भी ये डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगेगा यू कैन गिव अ बेटर कमेंट, अगर आपको नहीं भी अच्छा लगेगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन कमेंट ऑन दैट, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कॉमेंट। कैप्शन नहीं होगा, हेडर फुटर तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हैंस ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट इन दिस केस। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 50, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड क्रिएट्स अ डैश फॉर यू व्हेन यू प्रेस एंटर और द स्पेस बार आफ्टर यू टाइप द एड्रेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेब पेज। जब भी आप किसी एग्जिस्टिंग वेब पेज का नाम जो है टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर या स्पेस बार प्रेस करेंगे, तो उस समय क्या होगा, उस वेब पेज का क्या होगा, लिंक वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और उस लिंक को हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। ठीक है, हाइपर लिंक, वहाँ पे अगर हम उस लिंक पे कनेक्ट करें क्लिक करेंगे, तो वो लिंक हमें डायरेक्टली हमारे उस वेब पेज पे ले जाएगा जिसका भी हमने वहाँ पे लिंक डाला होगा। तो फुटर, चार्ट या हेडर, इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। तो आज के लिए गाइस इतना ही, इसके बाद के जितने भी 50 बचे हुए, 50 प्लस नियर अबाउट क्वेश्चंस हमारे पास और हैं, 57 और 58, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है हमारा वीडियो, हमने कोशिश की है कि आपको अच्छे से रिवीजन कराया जाए, आपको कंप्लीट हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके समझाया जाए ताकि आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए, तो आप ज़रूर से हमें कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।